हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास साइंस में वी वर डिस्कसिंग मोशन। मोशन में अभी हम लोगों ने ये बता दिया था कि मोशन एंड रेस्ट जो है रिलेटिव टर्म्स हैं। मतलब हम लोग ये बोलते हैं इफ विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे। जो ऑब्जेक्ट मोशन में दिखता है वो मोशन में नहीं है, या जो रेस्ट पर दिख रहा है वो रेस्ट पर नहीं है, मोशन में है। वी हैड कंसिडर्ड मेनी एग्जांपल्स, है ना। जैसे इफ वी कंसिडर अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ बस अलोंग विद द लगेज, फॉर अ पर्सन हु इज सिटिंग इनसाइड द बस द लगेज अपीयर्स टू बी एट रेस्ट, है ना। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बस के अंदर ही है तो लगेज रेस्ट पर दिखता है, बट फॉर अ पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम द ग्राउंड द सेम लगेज अपीयर्स टू बी मूविंग। जो लगेज बस के अंदर रखा हुआ है, फॉर अ पर्सन हु इज सीइंग इट फ्रॉम आउटसाइड द बस द लगेज इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, है ना। फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने मोशन क्या है वो अब हमने एक्चुअल डेफिनेशन दे दी, क्या कि इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस पॉइंट। हम जिस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट से अगर उसकी पोजिशन चेंज हो रही है, जैसे बस के अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बस के अंदर वाले पॉइंट से अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर दिख रहा है, लगेज रेस्ट पर दिख रहा है तो रेस्ट पर है। लेकिन अगर अभी हम लोग बाहर से ऑब्जर्व करें तो रेफरेंस पॉइंट बाहर है, बाहर से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो लगेज विल बी मूविंग विद द वेलोसिटी व्हिच विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बस। तो मोशन अभी हम लोगों ने ऐसे डिस्क्राइब कर दिया था। रेस्ट क्या रहेगा? रेस्ट विल बी व्हाट इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू The reference point, then we say that the object is at rest. ये बता दिया था। फिर उसके बाद distance and displacement. Distance और displacement define करने के लिए अभी हम scalars और vectors बताए थे। Scalars ऐसी quantity को बोलते हैं जिनके पास सिर्फ magnitude होता है। Scalars अभी हम ऐसी quantity को बोलते हैं जिनके पास सिर्फ magnitude होता है। Mass एक example है, distance एक example है scalars का। फिर vectors ऐसी quantity को define करते हैं जिनको define करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी हम लोग बोले कि फोर्स एक वेक्टर है क्योंकि उसको डिफाइन करने के लिए आपको एक मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी और डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम लोगों ने इसमें दो चीजें बताई थी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिटेल में डिस्कस किया था। क्या कि डिस्टेंस जो है एक स्केलर है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा कुछ मूव कर रहा है तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ये डिस्टेंस होता है, और ये क्या होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जॉइनिंग व्हाट द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इसको अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इसमें अभी हम लोग ये बोलते हैं डिस्टेंस की जो डिस्टेंस जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये अभी हमने बताया था। दोनों बराबर कब होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर कब होंगे, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करेगा। अब इसमें लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ये आ गया तो ये डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा बेटा इसका, डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ रहेगा। तो कौन सी चीज कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट नाम ही है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है ज्यादा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट कम रहेगा। फिर अब इसके बाद अभी हम लोगों ने बोला था दोनों बराबर अगर करने हैं तो आपको इस रास्ते पर नहीं चलाना, इस रास्ते पर भी नहीं चलाना, इस रास्ते पर अगर चलाएंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। फिर अभी हम लोगों ने बोला ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ये जीरो भी हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे? आप जिस जगह से चले, आप घर से चले, पूरा बाजार घूमकर वापस घर पर आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो रहेगा, लेकिन कुछ डिस्टेंस आएगा, है ना। तो अब हम लोग इसमें ये कहते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, है ना। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के भी एग्जांपल्स अभी हम लोगों ने दिए थे। सो वी आर क्विकली रिवाइजिंग व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्लास, है ना। तो ये इतना सब कुछ अभी हम लोगों ने कर दिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग इसमें जो ले रहे हैं मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने के बाद अब हम लोग वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
अब इसमें अभी हम लोग मोशन को अगर डिस्क्राइब करना है तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग को कुछ ऐसा टर्म चाहिए जिससे आपको पता चले कि ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है तो कैसा मूव कर रहा है ना। तो अब इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं वी विल बी डिस्क्राइबिंग टू थ्री टाइम्स, वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन, नल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। ये शॉर्ट में बता दे रहे हैं हम आपको, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। भाई अभी हम लोग कहते हैं कि अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही डिस्टेंस डिस्क्राइब करना पड़ेगा। आप यहां से चलना शुरू किए, ट्रेन का एक पाथ ले लें या आपका खुद का रास्ता, खुद का पाथ ले लें। अगर स्ट्रेट लाइन पर है, आप ऐसे गए फिर टर्न हो गए, उसके लिए नहीं। इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब ओनली इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल तो उसको अभी वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। इसको और सिंपल भाषा में बोलें, अगर किसी वायर, जैसे मान लीजिए ये दो दीवारों के बीच में एक वायर लगी हुई है, उसके ऊपर कोई इंसेक्ट मूव कर रहा है, तो अभी हम लोग ये बोलेंगे कि इस इंसेक्ट का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ यहां से ओरिजिन से डिस्टेंस बताना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मतलब आप इसको सिर्फ किसके टर्म्स में, एक्स और टी के टर्म्स में बता सकते हैं। एक्स किसको बोला, हमने बोला ये वायर बंधी है इधर से लेकर इस वाली दीवार के बीच में और उसके ऊपर कोई इंसेक्ट चल रहा है, तो अब हम लोग बोलेंगे कि टाइम के साथ साथ एक्स की पोजीशन, एक्स क्या है यहां ओरिजिन से डिस्टेंस, तो टाइम के साथ साथ एक्स की कैसे पोजीशन चेंज हो रही वो भर बताना। तो एक्स की वैल्यू मान लो 5 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर उसके बाद 14 हो गई, 15 के बाद 14 हुई मतलब वो इंसेक्ट वापस चलना शुरू कर दिया, 13 हो गई फिर और वापस आ रहा, फिर 12 हो गई मतलब और वापस आ गया, 5 हो गई मतलब और वापस आ गया, फिर एक्स की वैल्यू 0 हो गई मतलब जहां से चला था वहीं वापस आ गया। तो अब हम लोग इसमें ये बोलते हैं कि वन डायमेंशन मोशन इज ऑलवेज पॉसिबल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और उसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक ही वेरिएबल की जरूरत है, है ना। अब सुनना बेटा, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स दे रहे ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में बैठे रहेंगे, है ना। अब वो इंसेक्ट जो है आपका इस वायर पे से चलता हुआ इस पर आ गया बोर्ड पर, है ना। तो अब बोर्ड पर आपको एक अकेले से काम तो नहीं चलेगा, अब भैया बोर्ड पर जहां पर तार बंधी थी वहां पर आ गया, मान लीजिए तार यहां पर बंधी थी, वायर वॉज टाइड एट दिस पॉइंट, इसको ओरिजिन ले लो। अब यहां से ये कैसा जाएगा इसको डिस्क्राइब करने के लिए दो एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, यहां पर आ गया फिर यहां पर आ गया फिर यहां पर, मतलब एक्स की पोजीशन वाई की पोजीशन, मतलब मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नाउ बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एक्स वाई एंड टी, मतलब दो वेरिएबल्स लगेंगे, एक्स भी बताना पड़ेगा वाई भी बताना पड़ेगा, भाई ऐसे में कितना गया, फिर ऐसे में कितना गया ये बताना, फिर यहां से जब यहां आ जाएगा तो x की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी y भी चेंज हो जाएगा, तो आपको x y और t दोनों बताने पड़े। और सिंपल भाषा में स्ट्रेट लाइन पर इंसेक्ट का मोशन वन डायमेंशनल मोशन और इसके ऊपर चलना इंसेक्ट का वो टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल। अब मान लो उस इंसेक्ट को याद आया कि वो उड़ भी सकता है हम मजाक में कह रहे हैं, मतलब इंसेक्ट जो है अभी तक सिर्फ चल रहा था एंड इट वॉज एबल टू फ्लाई, यहां से अब उड़ना शुरू कर दिया, तो वो मोशन क्या रहेगा, थ्री डायमेंशनल मोशन, क्योंकि उसको डिस्क्राइब करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई जेड और टी, तो ये थ्री डायमेंशनल मोशन। तो कैसा, अब याद रखना बेटा, है ना, ये हमेशा याद रहेगा आपको, हम एग्जाम्पल्स आपको ऐसे देंगे फिजिक्स में, यू विल रिमेम्बर इट फॉर लाइफ लॉन्ग। वायर के ऊपर चलने वाला जो इंसेक्ट है उसको बताने के लिए आपको सिर्फ ये बताना कि यहां से कितनी दूर गया, मतलब सिर्फ एक्स बताना, यहां से कितनी दूर गया ये बताना है और टाइम के साथ, और टू डायमेंशनल मोशन जब ये इंसेक्ट वायर से चलते चलते यहां पर आ गया, अब यहां पर आया तो इसके ऊपर कहीं पर भी चल सकता है, अब कहीं पर भी चलेगा तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, भाई वो एक्स ऐसे में चलेगा, वाई ऐसे में चलेगा, है ना, मतलब चलेगा दो डायरेक्शन में नहीं, वो यहां था फिर यहां पहुंच गया फिर यहां कहीं पहुंच जाएगा, तो इसमें एक्स और वाई दो पोजिशन बतानी पड़ेंगी, तो एक्स वाई मतलब दो पोजीशंस बतानी है या दो वेरिएबल्स बताने विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हमें अगर सिंपल डेफिनेशन देनी है, मोशन अलोंग अ लाइन इज वन डायमेंशन, मोशन ऑन अ प्लेन, इसको प्लेन बोलेंगे, विल बी टू डायमेंशन, एंड मोशन इन स्पेस विल बी थ्री डायमेंशनल, स्पेस में यानी हवा में, दिस विल बी व्हाट, थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से सुनना,
अब इसके बाद अभी हम लोग ये कहते हैं कि भाई मोशन को डिस्क्राइब अगर करना है तो कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो मोशन को डिस्क्राइब करने का तरीका ये है, हम लोग अभी जो इस क्लास में 9th क्लास में बात करेंगे, हम लोग सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लेना। तो वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन में अब हम लोग ये कहते हैं कि भैया ये पता चल गया कि जितनी भी चीजें चल रही हैं वो स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं, आपका मोशन स्ट्रेट लाइन में, आपकी साइकिल का मोशन वो भी स्ट्रेट लाइन में, मोटरसाइकिल से जा रहे तो वो भी स्ट्रेट लाइन में ही कंसिडर करेंगे, हम लोग ये कहीं पर भी कंसिडर नहीं करेंगे कि वो कर्व्ड पाथ पर मूव करें। लेकिन अभी डिस्कशन हम हर एक चीज का लेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी, लेकिन अभी हमने बोला शुरू में मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी आर कंसिडरिंग ओनली व्हाट, वन डायमेंशनल मोशन। अब वन डायमेंशनल मोशन में आपके मोशन में आप पैदल चल रहे हो और आपकी कोई बहन, आपकी कोई फ्रेंड मोटरसाइकिल पर चल रही है, सिटिंग विद समवन या ड्राइविंग, कोई बोलेगा कि अरे हमें ड्राइव करते हैं ऐसा क्यों नहीं बोला, सो इफ यू आर वॉकिंग एंड इफ समवन इज मूविंग ऑन अ मोटरसाइकिल ऑन द सेम रोड अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, 1 सेकंड में आपका डिस्टेंस और 1 सेकंड में उसका डिस्टेंस, दोनों में डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस होगा, क्लियरली आपको मालूम है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइकिल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पर्सन मूविंग ऑन फुट, पैदल चलने वाला, साइकिल पर चलने वाला, मोटरसाइकिल पर चलने वाला और कार पर चलने वाला, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स इन 1 सेकंड विल बी डिफरेंट। तो अब हम लोग इसको ये कहते हैं कि भाई मोशन अगर डिस्क्राइब करें तो मोशन डिस्क्राइब करेंगे इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड बाय ईच ऑब्जेक्ट, तो पैदल चलने वाले का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम रहेगा, और आप 1 सेकंड में जितना चलोगे, आपकी फ्रेंड कार में जा रही है 1 सेकंड में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो ज्यादा रहेगा, है ना। सो वी से दैट वी कंपेयर द मोशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब क्या है, 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 आवर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, है ना। अब इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड एक टर्म बता दिया अभी हमने कि भाई पैदल चलने वाले का डिस्टेंस 1 सेकंड में मान लो 2 2 मीटर है, 2 मीटर इन 1 सेकंड, ठीक है। कार में चलने वाले का जो डिस्टेंस है 10 मीटर इन 1 सेकंड है, तो हम लोग इसको कैसा लिखते हैं, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड ऐसा बोला जाता, और ये 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है 1 सेकंड में 10 मीटर कार का है, 1 सेकंड में 2 मीटर पैदल चलने वाले का, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम को अभी हम लोग स्पीड बोलते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो स्पीड, तो अब हम लोगों ने यही बताया कि भाई मोशन के बारे में पढ़ लिया, पहले तो अभी हमने रेस्ट और मोशन बताया, है ना, रेस्ट और मोशन डिस्क्राइब करके फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया, फिर अभी हम लोगों ने कहा मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अभी हमने बोला कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चल रहा है 1 सेकंड में, वो टर्म अभी हम लोग यूज करेंगे टू डिस्क्राइब द मोशन, है ना। तो अब हम लोगों ने इसमें इसको एक नाम दे दिया, और इसको जो नाम दिया वो क्या बोला, स्पीड बोल दिया, है ना। अब इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट, अच्छे सुनना, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है सेम टाइम में, तो वो हम लोग बोलते हैं उसका मोशन यूनिफॉर्म है ना। अभी जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आप पैदल चल रहे हो, तो अगर 1 सेकंड में 2 मीटर चला, t = 0 पर आप s = 0 पर थे, t = 1 पर कहां पर पहुंच गए बेटा, s = 2 मीटर्स, t = 2 सेकंड्स में s = 4 मीटर्स, फिर t = 3 सेकंड्स में s = 6 मीटर्स। तो आपका जो डिस्टेंस है हर 1 सेकंड में अगर आप देखो, तो हर 1 सेकंड में 2 मीटर है, इफ यू आर वॉकिंग, तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म मोशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वॉकिंग। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी व्हाट, अ यूनिफॉर्म मोशन। तो
यूनिफॉर्म मोशन बता दिया, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है पता चल गया, स्पीड पता चल गया, स्पीड क्या है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो अब इसको दोनों चीजों को अभी हम थोड़ा सा इलैबोरेट कर दें। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डी डिस्टेंस डी मीटर्स इन टी सेकेंड्स देन स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय व्हाट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ऐसा कुछ बोल देते हैं। स्पीड इज व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अब इसमें इसको मेजर किस में करते हैं ये बता दें, डिस्टेंस आप मीटर्स में मेजर करते हो, टाइम सेकंड्स में, तो स्पीड जो है दिस विल बी मेजर्ड इन व्हाट मीटर्स पर सेकंड, डिस्टेंस विल बी व्हाट इन टर्म्स ऑफ मीटर्स पर सेकंड। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट बनी रहेगी, जैसे आपके पैदल चलने में आप स्पीड चाह के भी नहीं बढ़ा पाएंगे, मतलब ज्यादा होगा तो रनिंग करना शुरू कर दोगे, लेकिन इफ यू आर वॉकिंग एट योर ओन पेस नॉट गवर्न्ड बाय समथिंग एल्स, मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं जल्दी पहुंचना है तो तेज दौड़ लगाना शुरू कर दिया। वैसा नहीं, अभी हम लोगों ने बोला यूनिफॉर्म स्पीड से अभी आप ट्रैवल करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं, बहुत सारी चीजें आज पता चल रही है ना बेटा, तो अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप बाद में वीडियो को पॉज कर करके एक एक चीज को लिख लेना। तो इसमें अभी हमने क्या बोला है कि स्पीड पता चली, स्पीड क्या है, इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, और इसको अभी हम लोग किसके टर्म्स में मेजर करते हैं, मीटर्स पर सेकंड में मेजर करते हैं। फिर इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन पर फिर से आ जाएं। इसमें अभी हम लोग ये बोलते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances and equal intervals of time, then the object is said to be in uniform motion. तो ये वाला एक example लिया था कि हमने आपका खुद का, वो क्या थी आपकी speed 2 meters per second, t is equal to 0 पर s की value 0 है, मतलब घर से start की, और घर से आपके साथ में आपकी बहन कार में बैठकर चली गई, तो दोनों के लिए t is equal to 0 पर s की value 0 थी, है ना। अब t is equal to 0 पर s की वैल्यू 0, t is equal to 1 पर s की वैल्यू यहां पर लिख दे रहे, s की वैल्यू सपोज 3 है, फिर यहां पर s की वैल्यू 8 है या 7 लिख लें, तो देखो कार ने पहले एक सेकंड में 3 मीटर ट्रैवल किया, पहले एक सेकंड में 0 और 1 के बीच में एक सेकंड में 3 मीटर ट्रैवल किया, फिर अगले एक सेकंड में कितना ट्रैवल किया, 3 और 7 का डिफरेंस यानी 4। डिफरेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि t इज इक्वल टू 1 पर 3 मीटर दूर है, t इज इक्वल टू 2 पर 7 मीटर दूर है, मतलब क्या होगा इस एक सेकंड में कितना ट्रैवल किया, 4 मीटर। अब इस एक सेकंड में कितना ट्रैवल किया, इस एक सेकंड में 8 मीटर, और शुरू के एक सेकंड में अभी हम लोगों ने 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 1 मीटर, सॉरी 8 मीटर। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है ना, क्योंकि शुरू में क्या होता है कार एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेट करती है मतलब धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है, तो अब हम लोग ये बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन का की डेफिनेशन हम रिपीट कर रहे हैं एग्जाम्पल देने के बाद, if an object covers equal distances in equal intervals of time then the motion is said to be uniform motion, equal distance in equal interval of time, ye wala example। non uniform motion ka bolte hain if the object travels unequal distances in equal intervals of time, utne hi time mein agar alag alag distance travel kar raha hai to us motion ko hum log non uniform motion bolte hain, ठीक। अब दोनों के बारे में पता चल गया, अब दोनों को स्पीड के टर्म्स में अगर बोलें तो भाई जो पैदल चल रहा है उसकी स्पीड सेम रहेगी, पहले सेकंड में पहले एक सेकंड टाइम इंटरवल, 0 और 1 टाइम का डिफरेंस है और इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इधर s की वैल्यू 0, s की वैल्यू 2, इन दोनों का डिफरेंस 2 आया, तो 2 डिवाइडेड बाय 1,
इधर t इक्वल टू वन और t इज इक्वल टू टू में टाइम का डिफरेंस वन आया और डिस्टेंस कितना आ गया, ये भी टू आया, तो टू अपॉन वन। स्पीड देखो तो स्पीड कैसी रहेगी यूनिफॉर्म मोशन में, स्पीड सेम रहेगी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग बोलेंगे जो स्पीड रहेगी वो चेंज होगी। देखो इस वाले में देखो बेटा, हम थोड़ी कुछ चीजें रब करते हैं ना, देखो t इज इक्वल टू जीरो पर s की वैल्यू जीरो है, t इज इक्वल टू वन पर s की वैल्यू थ्री है, तो टाइम का डिफरेंस कितना आ गया वन और s का डिफरेंस थ्री, तो थ्री मीटर्स पर सेकेंड, थ्री मीटर्स इन वन सेकेंड। वन और टू इन द टाइम का डिफरेंस वन रहेगा और s का डिफरेंस, s की वैल्यू थ्री और s की वैल्यू सेवन, s का डिफरेंस फोर, तो ये फोर मीटर्स पर सेकेंड, तो स्पीड चेंज होती जाएगी। तो आपको नाम से भी क्लियर होना चाहिए, इस एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम लोग ये बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, जिसमें स्पीड चेंज होती है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, और सिंपल एग्जाम्पल दे दें, अगर आप यहां से अपने स्कूल जा रहे हैं, रोड एकदम खाली है, तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, आप गाड़ी पर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर या स्कूटी पर या किसी पर, आपकी स्पीड जो है कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म, बिकॉज यू विल बी ट्रेवलिंग व्हाट, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। शुरू की बात नहीं कर रहे हैं, शुरू में तो आपका डिस्टेंस बढ़ता जाता है क्योंकि स्पीड बढ़ती है, लेकिन जब खाली रोड पर चला रहे हैं जहां पर कोई टर्न नहीं है, तो अब हम लोग बोलेंगे योर स्पीड विल बी, टर्न की बात क्यों करते हैं, क्योंकि टर्न आता है तो स्पीड स्लो हो जाती है। स्ट्रेट रोड पर चल रहे तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी, और एक बार आप स्कूल के अंदर पहुंच गए तो और भी स्टूडेंट्स रहेंगे, पार्किंग तक पहुंचते पहुंचते आपका मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि कभी आपको स्पीड एकदम डेड स्लो करनी पड़ेगी, कभी रोकना पड़ेगा, कभी तेज चलाना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम लोग बोलते हैं दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक और एग्जाम्पल है, बाजार में अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपका जो मोशन रहेगा वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जब खाली मिलेगा तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करोगे, जब क्राउडेड रहेगा तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करोगे। तो ये सारी कंडीशंस, खाली वाली कंडीशन और क्राउडेड वाली कंडीशंस हमेशा ही मिली जाती हैं बाजार में। अब देखो, अब इसमें क्या क्या चीज अपन लोगों ने पढ़ ली, आज पढ़ लिया स्पीड के बारे में। तो स्पीड क्यों पढ़ा, क्योंकि अब हमें यह पता चल गया कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है यह बताना है। कैसा मूव कर रहा है मतलब क्या है, कितने रेट से ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, वो स्पीड अभी हमने डिफाइन किया, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक, फिर अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन बताया, यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो अभी हम लोग मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म कब बोलते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब दोनों के जो ग्राफ हैं वो कैसे आते हैं, देखो यूनिफॉर्म मोशन देखना अच्छे से, समझ एकदम समझ में आएगा सारी चीजें। नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ आएगा ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझना, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी बुक्स में भी है। देखो अगर आप परफेक्टली स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा आपको किसके लिए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में। अगर आप देखो ध्यान से देखना बेटा, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू वन, टी इक्वल टू टू, t इज इक्वल टू थ्री, देखना अच्छे से, t इज इक्वल टू वन पे एक सेकंड में, एक सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये यहां पर बना हुआ है, अगले एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये देखो, देखना अच्छे से, इस डायग्राम में एकदम सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी।
किस एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस रहेगा। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि ये टाइम और ये टाइम बराबर है, ये वन सेकंड है, ये भी वन सेकंड है, तो ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, वन और टू के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऐसे मिलेगा। इसको एस टू लिख दे रहे, इसको एस वन लिख दे रहे। और अगले एक सेकंड में अगर आप निकालोगे तो ये देखो, ये एस थ्री, तो एस वन विल बी इक्वल टू एस टू विल बी इक्वल टू एस थ्री। ये वाला डिस्टेंस एक सेकंड का, एक सेकंड में इतना डिस्टेंस, ये एक सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस एक सेकंड में मतलब दूसरे और तीसरे सेकंड के बीच में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसके और पास में लिख दे रहे हैं ये S2, ये वाला है S1, ये वाला है S3, ये वाला है, क्योंकि डिस्टेंस अभी आप जो है इधर पर मेजर करते। अब देखो इधर, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। अब इसको देखना अच्छे से, यहां पर डिस्टेंस है और यहां पर क्या है बेटा, टाइम है। देखना एक्स एक्सिस पर वन सेकंड लेंगे और पैरेलल टू वाई एक्सिस वो डिस्टेंस बताएगा। देखो अच्छे से, ये वन सेकंड, ये अगला वन सेकंड, ये अगला वन सेकंड, ये अगला वन सेकंड, इधर पर बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए अभी हम यहां पर दिखा दे रहे हैं। ये देखो हर एक सेकंड में डिस्टेंस का क्या हो रहा है, इस एक सेकंड में, इस वाले एक सेकंड में, इस एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये वाला है, इसको अभी हम लोग S1 मार्क कर दे रहे हैं। इस एक सेकंड में डिस्टेंस ये वाला है, इसको S2 मार्क कर दे रहे हैं, इसको S3 मार्क कर दिया और इसको S4 मार्क कर दिया। तो देख लो डिस्टेंसेस, सबसे कम कहां पर है बेटा, S1 is smaller than S2, is smaller than S3, is smaller than S4। मतलब पहले एक सेकंड में, पहला तो नहीं बोलना चाहिए, जो अभी हमने पहला एक सेकंड का इंटरवल मार्क किया, पहला एक सेकंड तो यहां पर है। अब चूंकि ग्राफ एक्स एक्सिस से टच ही हो रहा है, यहां पर अभी हम लोग नहीं बना रहे क्योंकि आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। इस एक सेकंड में S1 डिस्टेंस, अगले एक सेकंड में S2, अगले एक सेकंड में S3 और अगले एक सेकंड में S4। तो ये डिस्टेंस देखो बढ़ता जा रहा है, S1 कम है, S2 थोड़ा ज्यादा, S3 थोड़ा और ज्यादा, S4 और ज्यादा। तो हर एक सेकंड में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, पहले कम था फिर बढ़ रहा है। अगर हर एक सेकंड में आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बढ़ता जा रहा है तो मतलब क्या है, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। मतलब ये किस चीज का एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है लेकिन ये कैसा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जिसमें स्पीड इज इंक्रीजिंग। स्पीड इंक्रीज क्यों हो रही है, कैसे पता चल रहा, क्योंकि इतने समय में डिस्टेंस इतना है, अगले एक सेकंड में डिस्टेंस ज्यादा है, अगले एक सेकंड में डिस्टेंस और ज्यादा है, अगले एक सेकंड में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। And we say that for every consecutive one second, consecutive बोल रहा है, हर अगले एक सेकंड में पहले से ज्यादा डिस्टेंस अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, मतलब क्या है, मतलब यह है कि आपके आपका जो व्हीकल है उसकी स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग जो ले रहे हैं वो एवरेज स्पीड। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन है एवरेज स्पीड।
अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपको स्कूल जाना है, आप यहां से चले तो स्टार्टिंग में तो जीरो थी, थोड़ा बाहर तक निकलते तक निकलते आपने स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई, मेन रोड आई तो मेन रोड पर आपने स्पीड इंक्रीज कर ली, कहीं पर टर्निंग आई स्लो कर लिया, तो एवरेज स्पीड कैसे मिलता है ये याद रखना। एवरेज स्पीड, दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन व्हाट टोटल टाइम, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ, ऐसा लिख लेना, इट इज व्हाट द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस टू व्हाट द टोटल टाइम, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कई टाइप के प्रॉब्लम्स मिलते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स अभी हम लोग लास्ट टाइम पर डिस्कस भी किए थे, है ना। अब इसमें सपोज फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया है, सपोज एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद स्पीड v1 फॉर t1 सेकेंड्स, v2 फॉर t2 सेकेंड्स एंड v3 फॉर व्हाट t3 सेकेंड। एवरेज स्पीड बतानी, तो एवरेज स्पीड बताने के लिए क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कैसे मिलेगा, अब हमें यह मालूम है कि स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या रहेगा, डिस्टेंस अगर निकालना तो स्पीड इनटू टाइम। तो ये डायग्राम में दिखा दे रहे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ये v1 मीटर पर सेकेंड t1, v2 मीटर पर सेकेंड t2 टाइम के लिए, और v3 मीटर पर सेकेंड किसके लिए, t3 टाइम के लिए। तो ये डिस्टेंस जो है d1 मार्क कर दिया, ये डिस्टेंस d2 मार्क कर दिया, और ये वाला डिस्टेंस आपने d3 मार्क कर दिया। डिस्टेंस निकाल लो तीनों के, एक तुम लोगों के लिए ग्राफ और अभी हम दे देंगे, याद रह जाए बस एंटर। अच्छा बना ही दे रहे, इसको थोड़ा सा आज घर पर स्टडी करना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ऐसा कुछ इसके बारे में सोच कर देखना, 1 सेकेंड पर देखना डिस्टेंस ट्रेवल कैसे आते हैं। अब इसमें देखो बेटा, इसमें अभी हमने क्या बोला कि डिस्टेंस d1 अगर आपको निकालना तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा, ये अभी हम लोग मिलेगा कैसे, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब v1 इनटू t1 ऐसा कुछ आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस कैसे मिलेगा, d2 विल बी इक्वल टू v2 इनटू t2, और ये d3 कैसे मिलेगा बेटा, d3 विल बी इक्वल टू v3 इनटू t3 ऐसा कुछ आएगा। अब एवरेज स्पीड कैसे मिलेगी, टोटल डिस्टेंस यहां पर लिख दे रहे बेटा, d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसा कुछ आएगा। टोटल डिस्टेंस कितना बेटा, देखो v1 t1 प्लस v2 t2। हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे बेटा बहुत सारे, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, हो सकता है लास्ट तक आज आप को ऐसा लग रहा हो कि अरे बहुत सारी चीजें बता दी, है ना, बट विल बी अप्लाइंग ऑल दिस। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विल गिव यू व्हाट द एवरेज स्पीड, है ना। तो ऐसे अभी हम लोग एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब आज के लिए बेटा इतना ही, वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक और सेम चैप्टर ऑन द नेक्स्ट टर्म।